मेरे पास अभी कोई ऑर्डर नहीं आया, एक बार आ जाएगा मैं उस पर जरूर फिर भी किसी तरह की कोई जिस तरह की मेरे पास कोई भी लिखित नहीं आया, मैं तो अभी प्रोग्राम करके आपके सामने हूँ, कोई न्यूज आएगी तो जरूर उस पर अपने टिप्पणी करनी, अभी किसी तरह का मेरे पास कोई औपचारिक दोस्त नहीं। हिसार से इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद दुष्यंत चौटाला ने यह प्रतिक्रिया शुक्रवार देर रात सिरसा में चौटाला निवास पर पत्रकारों को अपने खिलाफ पार्टी से निष्कासन की खबरों पर दी। एक मंझे हुए नेता की तरह दुष्यंत ने कहा कि पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से सूचना मिलने से पहले वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। यहां बताने योग्य है कि पिछले महीने गोहाना में आयोजित सम्मान रैली को लेकर पार्टी और चौटाला परिवार में गंभीर मतभेद उभर कर सामने आए थे। इंडियन नेशनल लोकदल के मुखिया ओम प्रकाश चौटाला ने अपने दोनों पोतों दिग्विजय और दुष्यंत को अनुशासन तोड़ने का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। दिग्विजय और दुष्यंत पूर्व सांसद अजय चौटाला के पुत्र हैं। अजय चौटाला वर्ष 2001 के अध्यापक भर्ती घोटाले में अंदर हैं। अजय चौटाला के 5 नवंबर को पेरोल पर आने की खबर आई थी, लेकिन अजय चौटाला के आने से पहले ही उनके दोनों बेटों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ओम प्रकाश चौटाला की कार्रवाई के बाद हरियाणा और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला की भाजपा से बातचीत हो चुकी है। दुष्यंत जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। कुछ सूत्र दुष्यंत को मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाने का दावा भी कर रहे हैं। यह भी खबर मिल रही है कि दुष्यंत चौटाला अपनी अलग पार्टी का गठन करके चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा कर सकते हैं। चौटाला परिवार हरियाणा की राजनीति के बाबा बोर्ड समझे जाने वाले चौधरी देवी लाल की विरासत का वारिस है। ओम प्रकाश चौटाला ने अपने सभी भाइयों को चीर कर अकेले चौधरी देवी लाल के उत्तराधिकार पर कब्जा किया था, लेकिन आज एक बार फिर चौटाला परिवार और उनकी पार्टी विभाजन के कगार पर खड़ी है। इस बार पार्टी की बहुसंख्या ओम प्रकाश चौटाला और उनके दूसरे बेटे अभय चौटाले के खिलाफ जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।